दुर्गा ने मोहतरम नफल नमाज के ताल्लुक से एक साहिब ने आज एक सवाल किया था फ़ोन पर, और उनसे भी किसी खातून ने ये मसला पूछा था कि आप ज़रा इमाम साहिब से पूछ ले। जिन्होंने पूछा उनकी चाहत ये थी कि वो मसला जो ये मजलिस होती है उसमें भी डिस्कस किया जाए, वो साहिब मौजूद भी है मजलिस में, तो कुछ बातें उसी ताल्लुक से गोश गुजार करनी हैं। अकबर इलाहाबादी ने एक बहुत अच्छा पैगाम मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को नमाज के ताल्लुक से दिया है, तो पहले वो सुन ले। अकबर इलाहाबादी लिख गए हैं कि मस्जिद में खुदा खुदा किए जाओ, मस्जिद में खुदा खुदा किए जाओ, मायूस न हो दुआ किए जाओ। और हम मायूस है दुआ की तरफ से, अल्लाह बचाए। और अल्लाह ताला ने कितनी सख्त वईद सुनाई है, सख्त बात कुरान में फरमाई कि वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल लजीन यस्तकबिरून अन इबादती, इबादती से मुराद यहाँ दुआ है, सैद खलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह फरमाते हैं मफहूम यह है कि अगर तुम दुआ करना छोड़ दोगे तकब्बुर की वजह से, हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, और हमने तो बहुत मांगा, हमारी तो सुनवाई ही नहीं हुई, अब उससे मांग के क्या करना है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें जहन्नम में दाखिल करूं। तो दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा। और हज़रत मौलाना अली मियां साहिब नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि एक मलफूज सुनाया करते थे जिसका खुलासा ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, दीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको जो सहारा दिया है वो दुआ की वजह से दिया है। मैदान बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रोते रहे हैं दुआ में, और इतना रोए हैं और दुआ इतनी तवील और लंबी की है कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को रहम आ गया और फरमाए कि हज़रत बस अब बस कीजिए, अल्लाह आपको नामुराद नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई वकान हक्कन अलैना नसरुल मोमिनी। और इस तरफ देखो दुआ कैसे की है हुजूर की, उस तरफ उस वक्त दुआ का यह हाल था। मेरी तरफ देखे, किताबों में लिखा है कि बगल की सफेदी ये नजर आ रही थी, हाथ इतने उठा लिए आका ने के बगल की सफेदी ही नजर आने लगी। तो फरमाया कि इसी पर दारो मदार है, इसी पर बका है दुआ के ऊपर। शैतान बहुत कोशिश करेगा मुझे और आपको इस राह से हटाने की कि हम दुआ मांगना छोड़ दें, उसके सामने हाथ फैलाना छोड़ दें। हुजूर ने रिवायत में फरमाया जिसका मफहूम यह है कि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गुस्से होता है, और ये भी फरमाया मफहूम यह है कि जो खुद गर्ज बनता है, ये मेरे अल्फाज है, कि ज़रूरत पड़ने पर मांगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं इसकी दुआ कबूल कर लो, इसका काम पूरा कर लो, ये अजनबी सी आवाज़ मालूम होती है। और जो मांगते रहते हैं तो अल्लाह ताला को ये पसंद आता है। ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह
का शेर है, वो खोले या ना खोले दर, वो यानी अल्लाह, वो खोले या न खोले दर, क्यों हो तेरी उस पे नज़र, तू अपना काम कर यानी दरवाज़ा खिटखिटाए जा। क्या फरमाते हैं कि तू अपना काम कर और दरवाज़ा खिटखिटाए जा। बहरहाल तो अकबर लिखते हैं कि मस्जिद में खुदा खुदा किए जाओ, मायूस न हो दुआ किए जाओ। और मेरी माएँ बहनें घरों पे सुन रही है तो ख़ास तौर से, वैसे मर्दों के लिए भी है, मेरे लिए भी हैं, लेकिन औरतों के लिए हैं। अगला जो मिसरा है, कितना भी हो वक्ते बेहिजाबी, कितना भी हो वक्ते बेहिजाबी, तुम पाबंदिये हया किए जाओ। अकबर फरमाते हैं चाहे ज़माना बेशरम हो जाए, बेहया हो जाए, नंगा हो जाए, और नंगा होना फैशन बन जाए, मॉडर्न होने की अलामत बन जाए, तरक्की याफ्ता होने की अलामत बन जाए, फरमाया फिर भी तुम क्या करो, हया की पैरवी करो। क्यों? हुजूर ने फरमाया अल हया शोबतु मिनल ईमान अव कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। और रिवायत में फरमाया इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शित औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मफ़हूम यह है कि तुम बेहया बन जाओ, फिर हर काम तुम्हारे लिए आसान है। आदमी बेहया बन जाए तो फिर हर काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर फरमा रहे हैं कि बेहया बन जाओ, बल्कि इसमें तालीम यह है कि बेहया मत बनो। हाँ, बेहया मत बनो। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों पहले जाकिर भाई एक जगह एक जुमला पड़ा, दिल हिल गया। वैसे वो सदाकत पर भी मबनी है, टिकटॉक ये बेहयाई का अड्डा है, टिकटॉक जो है ये बेहयाई का अड्डा है। तो किसी लिखने वाले ने लिखा कि जो मालदार चौधरी पैसे वाले बड़े लोग गरीबों की लड़कियां नचाया करते थे अपने अड्डों पर बुलाकर, अपने बाड़ी में बुलाकर, अपनी कोठी पे बुलाकर, फरमाया अल्लाह ताला का इंतकाम देखो, आज उन्हीं मालदार घराने की, रईस घराने की, बड़े घराने की औरतें टिकटॉक पे नाच रही हैं। ये इंतकाम इलाही है। तुमने किसी की माँ बहनों को नचाया, उसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाया, उसकी मोहताजी का फ़ायदा उठाया, और अपने दिल की तायुश है सामान फरहत उसको समझा। फरमाया अल्लाह की लाठी में ये बे आवाज़ है, ये कब बजती है पता नहीं, बाप दादाओं ने किया, उनकी पोती पोतियाँ, उनकी नवासियाँ आज टिकटॉक पे नाच रही है, ये उनके बाप दादाओं का जुर्म है। याद रखो, नेकी भी कभी ज़ाया नहीं जाती, नस्ल दर नस्ल उसका फ़ायदा होता है। इसी तरह ये जीना और जितने भी जीना के लवाजिमात है, याद रखो अगर उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उसकी नस्ल में जो उसने किसी की औरतों के साथ किया है, ये हो नहीं सकता कि उसके ख़ानदान में ना हो। अगर किसी ने किसी के साथ जिना किया है, उसकी नस्ल में हो के रहेगा। किसी की माँ बहनों की गुर्बत का फ़ायदा उठाकर नचाया है, तुम्हारी नस्लों में ये होकर रहेगा। अल्लाह वैसे सब की हिफाजत फरमाए। हाँ, सूरह कहफ से पता चलता है, वक्त नहीं है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता है। मदद की थी, दीवार के नीचे ख़जाना था हाफिज यूसुफ साहब, आप जानते हैं। और क्या किया था, दीवार गिरने वाली थी और वो लोग ख़जाना ले लेते, मेहमान नवाजी नहीं की थी। हज़रत खजीर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की, हज़रत खजीर हज़रत मूसा अलैहि सलाम गुस्से हो गए कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हैं,
हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, आप उनके साथ एहसान का मामला कर रहे हो। हजरत खजीन ने फरमाया कि तुमने सही फरमाया, जब इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, इतने तंग दिल, सख्त दिल और इतने बखील और कंजूस आदमी हैं, तो ये बेचारे जो यतीम बच्चे हैं उनका माल तो ये वैसे ही उड़ा जाते। तो दीवार को क्या कर दिया, दुरुस्त कर दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये कोई सातवीं पुश्त में कोई नेक आदमी गुजरा था उनके खानदान में, अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। पढ़ो तफसीर, मिलेगा आपको। तो यही उसका बराक्स भी है, हैं शबीर चाचा, यही उल्टा भी है। इसलिए ये मत समझो हमारे हाथ में पावर है, पैसा है, ताकत है, हैं हाँ सब कुछ हमारे हाथ में। आज हम गुर्बत की मारी माँ बहनों का फ़ायदा उठाए, उनके जिस्म को नोचे, अल्लाह ताला तुम्हारे ख़ानदान में भी अल्लाह न करे लेकिन ये होकर रहेगा। देख लो गरीब घरानों से ज़्यादा आपको टिकटॉक पे मालदार घराने की लड़कियाँ नज़र आएगी, और कैसे लिबास पहनती है और किस तरह नाचती है। बहरहाल अल्लाह ताला मेरी भी, मेरे ख़ानदान की, मेरी बेटियों की, हैं हम सब के बेटियाँ, माएँ, बहनें सब की हिफाजत फरमाए। हाँ तो ये जेवर है इस्लाम का, हया जो है, हया ये जेवर है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत है, वो रिवायत करते हैं जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन। इस्माइल भाई क्या फरमाया, मफहूम है कि चार बातें, चार काम तमाम अंबिया की सुन्नत रही है, तमाम। उनमें एक चीज हया, हाँ हया शर्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शमाइल में लिखा है, हैं सुलेमान भाई, के एक बेनिकाही नौजवान लड़की क्या शर्मीली होगी जो शर्म मेरे और आपके आका के अंदर मौजूद है। बहरहाल अकबर कहते हैं मस्जिद में खुदा खुदा किए जाओ, मायूस न हो, दुआ किए जाओ, कितना भी हो वक्ते बेहिजाबी, तुम पैरवीए या पाबंदीए हया किए जाओ, उम्मीद शिफा खुदा से रखो, उम्मीद शिफा खुदा से रखो, क्यों तर्क करो दवा किए जाओ। है आरिफ भाई, हाँ दवा करना ये सुन्नत है, इलाज करना क्या है ये सुन्नत है, मायूस नहीं होना है। हमारे लोगों को तो इयादत करनी भी नहीं आती है, अमीन भाई आएंगे घर पे इयादत करने के, हूँ थी तमुने देखे यार फलानी बीमारी, हम तो माना मैंने तमें हो जरा कहता कहता हो बीख लागे के आ हारो के ऊँध मार है, हैं केव के ही के नहीं के एम के अपने भी उठाए जरा मन में केवू पड़े अमुको करते क्या उठ्यू बहु डेंजर हैं। इतना मोटा मोटा डॉक्टर ने इनके फलाना इलाज करायो एम के कई फायदो नहीं थियो एम के तारी तो हूँ को आयो तो ही हैं एवं मन था कि मैं सपाड़ा मारने घर में थी ने बाहर काड़े हैं। हाँ अरे यार अच्छे जुमले नहीं बोल सकता तो कम से कम डरा के तो मत जा, ये भी इयादत का उसूल है, आदाब है, इस्लाम ने मुझे आपको सबको सिखाया है यूसुफ भाई कि ऐसे अल्फाज मत बोलो। चाहे हमें मालूम है कि इसका इलाज नहीं है, ला इलाज है, अब मरने के करीब है, फिर भी अच्छे जुमले बोलना, ऐसे जुमले कि उसका दिल खुश हो जाए, उसके दिल में उम्मीद पैदा हो जाए। बल्कि यहां तक लिखा उलमा ने कि अगर मरीज ना उम्मीदी के अल्फाज कहे फिर भी तुम उसे उम्मीद दिलाओ। नहीं याद रखो आवाज मारी, एवं कोई आवे ने तो घर वाले ने कही दे उनके नेक्स्ट टाइम आओ तो ओटलो न चढ़ावता। हाँ आवाज मारी याद रखो, मरु नाम लेने कही दो कि अवा कोई है, हाँ खोलवाड़ू नहीं बाणू नहीं खोलवाड़ू, हाँ अभी आइटम भी है दुनिया में। बहरहाल उम्मीद शिफा, और ये भी याद रखो कुछ बीमारियां ऐसी हैं, ये भी याद रखो, बात याद आ गई, उलमा ने लिखा है। देखिए हमारे
इस्लाम ने सुलेमान भाई सब बताया अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ मौजूद है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि आदमी उसका तलफ़्फ़ुज़ करते हुए बताते हुए ख़ुद शर्मिंदा होता है, तो जाके मत पूछो। मिसाल दे दूँ मैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, किसी को एड्स हो गया, अभी ऐसी बीमारी है कि पहले तो आदमी सुनता है ना, वो घुट घुट के वहीं मर जाता है, मरने से पहले वो मर जाता है अगर एड्स का नाम सुनता है। बाज मर्तबा मर्द की गलती नहीं होती, ये भी याद रखो, हर मर्तबा लोग ये समझते हैं कि एड्स हुआ तो मर्द बदकार होगा, नहीं, हो सकता है जिससे उसने निकाह किया खोट, अरे बोलो, उधर हो, और इसमें जो मुंतकिल हुआ वो उधर से हुआ, अब इसमें मर्द की क्या गलती। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारे यहाँ एक ये भी अजब जहन है, हमेशा औरत को मजलूम समझा जाता है, नहीं, याद रखो, हाँ होती है मजलूम, कोई मना नहीं करता, लेकिन मर्द हमेशा जालिम हो, मर्द मजलूम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ख़तीबुल उम्मत हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलियवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम से एक बात सुनाया करते थे, मेरी माएँ बहनें घर पे सुन रही है, एडवांस में माफ़ी, वो बुरा ना माने, सब औरतें ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हैं वो, और अल्लाह ने फरमाया हमारा दुश्मन कौन, शैतान, जज़ाक अल्लाह ज़ाकिर भाई, कि अल्लाह ने खुद फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानी अदुवुम मुबीन, लेकिन पांचवें पारे में, हाफिज़ साहब पांचवें पारे में या छठे पारे में, पर पांचवें पारे में शायद, अल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया शैतान के ताल्लुक से कि इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफा, क्या फरमाया, इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफा, के शैतान का मकर बहुत कमजोर है, शैतान के मकर को बारी ताला फरमा रहे कमजोर है। और सूरे यूसुफ उठा कर देखो, हैं, ज़लीखा और उसकी सहेलियों ने जो कुछ किया आप सबको मालूम है। कुरान जब उसका तस्किरा करता है तो क्या कहता है ज़ाकिर भाई, कि इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, के औरत का मकर बहुत बड़ा है, शैतान से भी बड़ा मकर औरत का है। हाँ, अज़ीम कहाँ है। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलेह रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे कि बाज़ औरतें तो नाखून दबाएं तो आंसू निकल आए, यानी बस। और आदमी, बहुत से लोग किसको मजलूम समझते हैं कि रो दे, औरतें वैसे दिल की कमज़ोर होती है, और कोई अगर मकरम है, मक्कार है, चालाक है, तो वो आंसू को अपना हथियार बना दिए, वैसे मर्द भी बनाते हैं और खूब बनाते हैं, हैं, तो आंसू को अपना हथियार बनाते हैं। अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता, हर रोने वाला इस्माइल भाई मजलूम नहीं होता, बाज़ मर्तबा रोने वाला वही जालिम होता है। सूरह यूसुफ में ये भी है कि वजाऊ अबाहुम इशाई अबकून, के बिरादरानी यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ठिकाने लगा कर आए, और रात के वक्त आए, दिन में नहीं आए, और आए तो कैसे आए, रोते हुए आए, लेकिन ये घड़ियाली आंसू थे। हमारे यहाँ मुहावरा मशहूर है, कैसे आंसू, घड़ियाली, घड़ियाली यानी घड़ियाल मत समझना, हैं, घड़ियाली कारी पर क्या मतलब जानते हो, घड़ियाल पेरवान छोट दिल्लू तो काफी आ जा है, मोबाइल आ गया फिरवान छोट दिल्लू, हमें तो जाकिर भाई याद भी नहीं रहे, जो हमें बोलो तो याद आए, हैं, हमारा गजामा हो पड़े रही, अद करता वधारे गजामा ज पड़ी रही है, हैं, वजू करवा जाए याद नहीं आ रहा। हाँ, और ये इसलिए रखी है, इसका नाम अलफजर, घड़ी का नाम, ने बदा थी वधारे मुश्किल नमाज पढ़वानी फजर, तो मैं तो पढ़वानी, मैं तो पढ़ावानी भी,
હે અમીનભાઈ, એટલે આપણે તો ડબલ ટેન્શન. તો ઇસલિયે અબ ઘડી ભી અલ ફજર વાલી જ રખી. તો ક્યા હે ઘડિયાલી કહેતે હૈ મગરમચ્છ કો. ઘડિયાલ યે ઉર્દૂ કા લફ્ઝ હૈ, ઇસકા માના હૈ મગરમચ્છ. મગરમચ્છ જાનતે હો? હા, મગરમચ્છ. મગરમચ્છ કહાં રહેતા હૈ? પાણી મેં રહેતા હૈ. આંસુ મેં ક્યા નિકલતે હૈ? પાણી નિકલતા હૈ. અબ મગરમચ્છ કે લિયે કોઈ મુશ્કિલ હૈ? સ્વિમિંગ કરે અંદર હે, નિકલે બાહર, ખુદ બખુદ આંસુ તો. હા, ઇસલિયે બોલા જાતા હૈ કે જો ઝૂઠે આંસુ નિકાલે તો કહાં જાતે હૈ કે ઘડિયાલી આંસુ હૈ. યે કૈસે આંસુ હૈ? મગરમચ્છ કે આંસુ હૈ, યાની ઝૂઠા હૈ. ઇસલિયે યાદ રખો, ઇસલિયે શરિયત મેં કુરબાન જાઈએ ફરમાયા, ચાહે કોઈ રોતી હુઈ ઔરત આએ, કુછ આએ, કાઝી કા યે ફરીઝા હૈ દોનોં કી બાત સુનેગા. જિસ પે ઇલ્ઝામ લગાયા ગયા ઔર જો ઇલ્ઝામ લગા રહા હૈ દોનોં કી બાત સુન કે ફિર ફૈસલા કરેગા કાઝી. આપણે તો પ્રોબ્લેમ હોતા હૈ ખબર, આપણી બેન રડતી રડતી ઘેર આવી, આપણી પોયરી રડતી રડતી ઘેર આવી. ભાગ્યે જ આપણામાંથી કોઈ એવો હૈ કે જે આપણા બનાવીને જરા સવાલ જવાબ કરે કે આપણા જમાઈને, હે રાંદેરવાળા હોય તો જમાય ને આપણે લોકો જમાય તો વહરાલ વો સવાલ કરે. કોઈની રડતી આવી, બેન રડતી આવી, એટલે ડાયરેક્ટ આપણે હુકમ લગાવી દઈએ કે આ શું છે? અરે બોલો યાર, મજલૂમ હે ને, એ સમજતે. હાલાકી ઉલ્ટા ભી મેં એ નહીં કહે રહા હું કે એસા નહીં, ઉલ્ટા ભી હો સકતા. યહી કામ લડકે વાલે કરતે હૈ. લડકા બાપ કે ઘર જાયેગા ઔર રોને કે અંદાજ મેં કુછ સુનાયેગા યા રો કર સુનાયેગા તો લડકે કે માં બાપ ભી ક્યા સમજતે હૈ કે આપણો નવાઈ નો નૂર મોહમ્મદ હે એવું છે, રાઈટ છે? ગલત હૈ. કોઈ હો દોનો તરફ કી બાત સુનો, યાદ રખો યે ઇસ્લામ કા હુકમ હૈ. ચાહે મેરી બહન આપકી બહન, મેરી બેટી આપકી બેટી, કોઈ હો મેરા ભાઈ, કોઈ ભી આયે, દોનો તરફ કી બાત સુનની હૈ ઔર ફિર ફૈસલા કરના હૈ. હઝરત સુલેમાન અલૈહી સલાતુ વસલામ જલીલુલ કદર પૈગંબર હૈ. લિખા હૈ વાકિયાત મેં યે બાત, પતા નહીં સનદ કૈસી હૈ, ક્યા હૈ ક્યા નહીં, લેકિન સુન લો. હઝરત સુલેમાન અલૈહી સલાતુ વસલામ તો ઇન્સાનો કી હી નહીં બલકે જાનવરો કી બોલી ભી સમજતે થે, હૈ ના સુલેમાનભાઈ? હા, તો જૈસે આપ ગુજરાતી સમજતે હો તો ઇસી તરહ. તો બહરહાલ હવા ઓ મચ્છર ને આકર ઝાકિરભાઈ શિકાયત કી કે હવા મુજે બહોત તંગ કરતી હૈ કે મેં શિકાર કરતા હું ઇતની જોર સે આતી હૈ કે મુજે વહાં સે હટા દેતી હૈ, ઉડા દેતી હૈ. હઝરત સુલેમાન અલૈહી સલાતુ વસલામ ને ફરમાયા કે સિર્ફ તેરી બાત સુન કે તો ફૈસલા નહીં કિયા જાતા, મેં હવા કો બુલાતા હું. તો વો મચ્છર કહેને લગા, હઝરત ઉસકો બુલાયેંગે મેં ઠહેરી નહીં સકુંગા. પ્રોબ્લેમ તો યહી હૈ, હે પ્રોબ્લેમ ક્યા હૈ? પ્રોબ્લેમ તો યહી હૈ, જો પ્રોબ્લેમ આપકે સામને રખ રહા હું વહી તો હૈ કે આપ આમને સામને બુલાયેંગે રખેંગે તો યે નહીં હોગા. હા, અબ સુનો, ઇસ મુલ્ક મેં ઇસ્લામી કોરટ જિસે કહેતે હૈ, જહાં ખુલા દિયા જાતા હૈ, યા ફસ્ખે નિકાહ ડ્યુઝબરી મેં ભી હૈ, યા હમારે કરીબ મેં લેટન મેં ભી હૈ ઔર કેન્ટ મેં ભી હૈ. 90 યા ઉસસે આગે મેં કહું તો વહાં જો લોગ બેઠે હૈ ઔરત કોઈ મજલૂમ સમજતે, દેખ લેના ફૈસલા, અલ્લાહ કે યહાં પૂછ ગછ હોગી ઉનકી. 90 સે ઉપર ફૈસલે ઔરત કે હક મેં આતે ઔર ઔરતો ને આજ ઇસકો હથિયાર બના લિયા હૈ. નાજાયઝ કિસી સે તાલુક હો જાતા હૈ, અબ શોહર નહીં છોડતા કે બરદાસ્ત કરતા હૈ, કોઈ બાત નહીં, તો વો કહેતી હૈ કે તું નહીં દે તો ક્યા હુઆ, મેં ચલી જાઉં. વો ચલી જાતી હૈ, 300 pounds કુછ ફોર્મ કે યા ઇસકે વો લેતે હૈ ફીસ, વો આ ગયે ઔર વહાં સે આપ દેખ લા, વો ફસ્ટ કી નિકાહ હી આતા. ઔરત કો ભી અલ્લાહ કે યહાં પૂછગછ હોગી, ફેમિલી જાનતી હૈ ઉસકો ભી હોગી, ઔર યે જો મૌલવી હઝરાત હૈ ને ઇનકો ભી હોગી. હા, યે મૌલવી ઔર મુફ્તી હઝરાત ભી પકડે જાયેંગે. ક્યા અલ્લાહ ને ઇતની અકલ નહીં દી હૈ? સારે કેસીસ મેં ઔરત હી મજલૂમ હો સકતી હૈ, મર્દ મજલૂમ નહીં હો સકતા. ઔર હમ દેખ રહે હૈ કે મર્દ સારે હુકૂક બીવી કે અદા કર રહા હૈ, લેકિન બસ ઉસકી કિસી સે આંખ લગ ગઈ, ઉસકો ઇશ્ક હો ગયા.
अब तो चूंकि लड़कियां भी जॉब पे जाती है, सबकी ये घर का यही हाल है। हमारे बड़े बूढ़े पहले आए, अब देखिए सबकी वाइफें आमतौर से हाउस वाइफ थी, उन्होंने बीवियों के पास भी काम नहीं कराया, तो बेटियां तो दूर रही। लेकिन अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, मैं जानता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पहले अपने आप से भी कह रहा हूँ, मेरे घर में भी है, पता नहीं क्या होता है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा है। लेकिन आज जब हमारे कंट्रोल में नहीं है और वहाँ जाते हैं तो आप जानते हैं जॉब पे जाओ तो लिबास कैसा पहनना पड़ता है, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करनी पड़ती है। और मर्द की एक फितरत है, याद रखो, वो औरत से इश्क नहीं करता, उसका मकसद कुछ और ही होता है, आप समझ गए, वो आगे की चीज़ सोचता है, ये सिर्फ ड्रामा होता है और औरतें नहीं समझ पाती उसको। तो ये भी केसेस जो फर्स्ट जो हैं, ये जायद क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम के क्या क्या नाम है यार, नाम भी जहन में नहीं आ रहा ये जो है वो, हाँ इस्लामिक कॉर्ट के लिए या जो भी। तो मैंने तो जितने फैसले देखे सब औरतों के हक में, और मैं जानता हूँ अल्लाह के घर में बैठा हूँ शब्बीर चचा, कि वो शोहर मेरे पास आया, उस केस में मैं इन्वॉल्व था, शोहर मजलूम है, उसकी बीवी जो है उसने शोहर के हुकूक गसब किए हैं, उसने गलत कार्य की है, फिर भी शोहर माफ करने को तैयार है, तलाक नहीं दी उसने, वो पहुंच गई वहां पर और तलाक ले गई। चूंकि मैं जानता हूं इसलिए मैं कहता हूं, तो आपने क्या तहकीक की? और शोहन ने लिखा उनको, मेरा नाम मेंशन किया कि भाई ये सारी स्टोरी फना आदमी है वो जानता है, लेकिन नहीं, आज घराने इसलिए भी टूट रहे हैं। हाँ, और लड़कियां और औरतें भी बहुत होशियार हो गई है, गूगल में सब ढूंढ लेती है कि क्या लिखना है कि जिसकी वजह से काजी हमारे हक में फैसला करे, तो वो झूठ लिखा जाता है। बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल गई, मैं क्या कह रहा था आपको कि उम्मीद शिफा खुदा से रखो, क्यों तर्क करो दवा किए जाओ। हाँ, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, मत पूछो मरीज से, और अगर पूछ लिया, बाज़ मर्तबा आदमी नीयत करके जाता है कि नहीं पूछूंगा, लेकिन बैठने के साथ भूल जाता है और पूछ लेता है। अब वो मरीज ने जवाब नहीं दिया तो अब इतनी अकल मुझ में और आप में होनी चाहिए कि दोबारा उसको सवाल ना करे, क्यों वो बेचारा ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसको बताना शर्मिंदगी का बाइस है। ऐसी बीमारी होती है तो मत पूछा करो, ऐसी बीमारी हो तो, और अगर पूछ लिया उसने आगे से जवाब नहीं दिया तो क्या करो। अरे हमें तो घर में ये हुक्म है कि चाहे घर में कोई आदमी मौजूद है, बाहर से जाकर हम दरवाजा कितनी मर्तबा खिटखिटाएंगे आरिफ भाई? तीन मर्तबा खिटखिटाएंगे, यानी ये नहीं कि घर में नहीं है, वो है, लेकिन कुछ ऐसी हालत है, कुछ बिजी है, कुछ है, वो नहीं चाहता कि हमारे साथ बात करे और हमें एक्सेस दे घर के अंदर, आने दे। तो हमें हुक्म है कि चौथी मर्तबा नोक न करे। और आजकल दरवाज़ा खिटखिटाने की जगह क्या आ गया, डोरबेल आ गई है ना। हाँ, तो वो तो कितनी मर्तबा बजानी है, तीन मर्तबा। और याद रखो एक बात, यही हुक्म मोबाइल की घंटी का भी है। अब ये भी एक चीज़ है, ये भी दस्तक देना है। अरे अमुक लोगों तो जान ले जाए हैं, हाँ हम जितनी अला फोन पर फोन फोन पर फोन, ने अमुक नंबर तो आपने एवं राखे कि बेचार ने दीदला हो, ने ते बेचार में हारो एक एवं मली जाए कि आपने थीने दीदलो तो ओ माय गॉड, तपड़ा पाया तौन नंबर हो तो तौने तौन पर कॉल हैं, अना पर भी हिला पर भी हिला पर भी। ओ मरा अल्लाह, इसका हुक्म भी मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि ये भी फोन भी आजकल मिन वजहिन मुलाकात है, फोन भी आजकल क्या है, मुलाकात हो गए। तो तीन मर्तबा, तो एक तीन मर्तबा चाहे, एक मेरा शायद पता न चले, कॉल करो तीन मर्तबा, रिंग गई कट कर दो, फिर करो तीन मर्तबा फिर कट कर दो, फिर तीन मर्तबा फिर कट कर दो। लेकिन अपने दादा लैंडलाइन में भी नंबर आप है तो जहाँ उठी तो मशीन नहीं बोले, तो हम आज छोड़े थी हैं। ये सब इस्लाम ने हमें सिखाया है
हम दीनदार लोग इसका ख्याल नहीं करते भाई, आजकल तो व्हाट्सएप है, उसके पास से क्या कर दो, मैसेज छोड़ दो, मुझे आपसे काम है, आप दे देना, या व्हाट्सएप वो इस्तेमाल नहीं करता तो क्या कर दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, है ना, टेक्स्ट मैसेज कर दो। लेकिन नहीं, पछी अमुक लोगों के हो जड्डू हो भी तो कि अला आजे हमने मने मथावड़ो है ने, हमें जो इनो आराम नो टाइम हो आज करो इना हाथे भी एम के એવું એને શીખવું એમ કે બીજો કંઈ કરે જ નહીં, પછી આવો એને નહીં હોવા દઈએ, હે હા, યે સબ ઇસ્લામી અહકામ હૈ, લેકિન હમ લોગોને મોટી મોટી ચીજે હૈ ઇસી કો દીન સમજ રખા, ઇસસે કોઈ વાકિફ નહીં, ઇસકા કોઈ ખ્યાલ નહીં કરતા। તો ઉમ્મીદ શિફા ખુદા સે રખો, ક્યું તર્ક કરો દવા કિયે જાઓ। ઓર આખરી મિસરા હૈ, हरगिज़ न कज़ा करो नमाज़ें, मरते मरते भी अदा किए जाओ, इंशाल्लाह हैं, मरते मरते भी अल्लाह ताला हमसे अदा कराए। बहरहाल चले, अब वक्त हो रहा है, 5 मिनट लेता हूँ आपकी। नफल के मुतालिक सवाल पूछा, नफल नमाज, उन्होंने ये सवाल पूछा कि नफल नमाज को तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो नफल का पूछा है। क्यों, नफल, नफल का माना पहले समझो, नफल का माना है जायद, एक्स्ट्रा, क्या है जायद, ये लफ्ज कुरान में भी आया है 15वें पारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि वमिन अल-लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल्लक, ये नाफिला नफल से है। वमिन अल-लैल फतहज्जद बिही नाफिलतल्लक असा अन यबअथक रब्बुक मकामन महमूदा। क्या फरमाया अल्लाह ने कि वमिन अल-लैल फतहज्जद बी, के ए मेरे महबूब, आप रात का कुछ हिस्सा, हाँ अल्लाहु अकबर, पूरी रात, याद रखो यहाँ एक बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी की पूरी रात ईशा के बाद से लेकर फजर तक इबादत करना मनकूल नहीं है, चाहे बड़ी रात हो। यहाँ अल्लाह लफ्ज लाए हैं मिन मिन, वमिन अल-लैल फतहज्जद, वमिन अल-मिन मिन, ये वही मिन है जो पहले पारे में ज़कात के बारे में आया, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। ये ومما ميم اور ميم آپ کو ملے گی تشدید کے ساتھ، لیکن یہ اصل میں ہے من ما، ذاکر بھائی کیا ہے یہ اصل میں، نون ہے، من اور ما ہے، لیکن یہ لکھا جائے گا قرآن میں من ما، ये मीन तबीजिया है अरबी जुबान में, अरबी ग्रामर में मीन बहुत से मानी में आता है, मुस्तामल होता है, उनमें एक माना है तबीजिया। तबीजिया का माना बाज, कुछ, थोड़ा, पूरे का पूरा नहीं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैंने जो माल दिया है पूरा ज़कात में नहीं देना है, उसका कुछ हिस्सा, वो आप जानते हैं। तो यहाँ भी फरमाया कि वमीन अल-लैल, ए मेरे महबूब, अब रात का थोड़ा सा हिस्सा, कितना, थोड़ा सा, और जब हुजूर ने उसको बढ़ा दिया, अल्लाह ने फिर रोका, कुरान में 29वें पारे में, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु कलीला أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا। अल्लाह ने रोक दिया कि रात में ज्यादा इबादत ना करो, थोड़ी इबादत किया करो। और यहां भी फरमाया रात का थोड़ा सा हिस्सा, मेरे महबूब तुम क्या करो, तहज्जुद करो, फतहज्जद भी, तहज्जुद पढ़ो, नाफिलतल्लक, खास तौर से ये हमने आपके लिए ज्यादती की है, ये इबादत हमने आपके लिए ज्यादा की है। तो नफल का माना क्या हुआ, ज्यादा। इसीलिए उलमा ये लिखते हैं कि तहज्जुद की नमाज मेरे और आपके लिए तो सुन्नत है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
फर्ज थी। क्यों? अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने आपके लिए क्या किया है, ज्यादा किया है। नबी का दर्जा भी बड़ा होता है, हाँ जो बड़ा होता है ना उसको सवाब भी बड़ा होता है, और बड़े को बड़ा होना चाहिए। बाप बाप इसलिए है कि बाप का दिल बड़ा होता है, वो अपनी औलाद के सारे जराइम, सारे गुनाह, सारी कमियां, सारी कोताहियां, सारी बेअदबी, सारी बेहतरामी, सारे मिसबिहेवियर, बैड बिहेवियर, माँ और बाप का सीना अपनी औलाद के लिए कब्रस्तान होता है। याद रखना, ये माँ बाप का दिल दिल नहीं है, ये औलाद के लिए कब्रस्तान है जिसमें वो अपनी औलाद की हर गलती को दफन कर देते हैं। इसलिए माँ बाप बनाया है, इसलिए दर्जा बढ़ा है। और माँ बाप हो के तंग दिल तो क्या बाप हुआ, तो क्या माँ हुई है। देखो कैसे कैसे गुनाह बच्चों के बेअदबियां माँ बाप माफ करते हैं, सब कुछ माफ कर देते हैं। बच्चा इतना जल्दी माँ बाप को माफ नहीं करता जितना जल्दी माँ बाप औलाद को माफ करते, देख लेना आप एक्सपीरियंस करके देखना। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हैं ऐसा ना हो, लेकिन वो होता है। माँ बाप बाप माँ बाप है, बड़े बड़े हैं। बहरहाल ये नफल नफल मैं आपको समझा रहा था, तो हम यहीं से बात शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आगे चलती रहेगी। तो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो गया। नफल का क्या माना? एक्स्ट्रा जाइद, यानी अल्लाह ने वो नमाज मेरे और आपके लिए सुलेमान भाई ज़रूरी नहीं की है। मैं और आप जाकिर भाई नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह पूछगछ नहीं करेगा, ये नफल है। लेकिन अब सुनो आगे, है तो नफ, और सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, जो भी इबादत नफल है, एक मर्तबा मैं और आप शुरू करेंगे वो वाजिब हो जाती है। क्या हो जाती है? वाजिब हो जाती है। और वाजिब अगर किसी वजह से हम अदा नहीं कर पाए तो कजा करना है कि नहीं करना है? करना है। अब खुद कह रहे हैं माशाल्लाह, आप समझ गए। तो किसी ने नफल नमाज शुरू की, अब वो नफल नफल नहीं रही, अब वो वाजिब हो गई। माना यह है अब उसको इसके अंजाम तक पहुंचाना है, चूंकि वो वाजिब है। और अगर किसी वजह से उसने नमाज को तोड़ दिया, नफल नमाज को, चूंकि वो वाजिब हो चुकी थी, अब उसे कजा करनी पड़ेगी। पूरा मसला बयान नहीं हुआ, मुझे भी कजा करनी पड़ेगी इसमें, मुझे भी जो है वो कजा करनी पड़ेगी। आखिरी जुमला याद रखो, बिला वजह, बिला उज़्रे शरई, चाहे नमाज फ़र्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, सुन्नत गैर मुअक्कदा हो, जो नफल ही है, या आप कह लें नफल हो, अदा हो, कज़ा हो, जौन सी नमाज हो, बिला उज़्रे शरई सारी नमाजों को तोड़ना हराम है। सुन लेना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको, बिला उज़्रे शरई नमाज को तोड़ना क्या है? हराम है। मिसाल ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अभी मैंने कहा कि आपने नमाज पढ़ा जाए, जाकिर भाई फोन पर रिंग पर रिंग, रिंग पर रिंग, रिंग पर रिंग, भाई माना विचारे कि ओहो आ तो कोई खास काम हो है। और बात मतलब होता भी है, किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी, उसके हालात तो सब जानते हैं, वो अलग है, करो फिर। हाँ ये भी याद रखो, इमरजेंसी हो तो पसीजे पहला मसलो बतलाओ, जिना पर अमल ना करता है अमीन भाई। हाँ इमरजेंसी तो इमरजेंसी जो है ने, एम अपना थी बस में कूदे तो पुलिस पकड़ है टोड़ी ने, पर इमरजेंसी में हो तो लोग शाबाशी दे है कि वाह केवू पड़े, मरत ना बच्चो है। तो बहरहाल वो इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी है, इसलिए बिला उज़्रे शरई हराम है। और याद रखो, घर के फोन पे रिंग बज रही है, मोबाइल पे रिंग बज रही है, नमाज चाहे फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, नमाज का तोड़ना इस वजह से कि मोबाइल पे बार बार रिंग बज रही है, कोई ख़ास काम होगा, इमरजेंसी होगी, नमाज का तोड़ना हराम है। नमाज का तोड़ना हराम है। अब ऐसा नहीं कि नमाज को बिल्कुल तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ भी सकते हैं। वो खास आज़ार है कि जिसकी वजह से मैं और आप नमाज को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन मैं उसका तोड़ बताऊं,
उससे पहले हमारा जो ये जोड़ है हैं, उसका तोड़ ज़रूरी है। वक्त तो हो गया है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते शबीर चचा इस पे बात करेंगे। जो कुछ कहा सुना गया, मैं सबसे ज़्यादा मोहताज हूँ, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाया, और उसके बाद हम तमाम सामीन को सुभानल्लाहि वबिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक।